किस लेवल पे हो रही है, काम को लेकर अगर हो रही है तो बहुत बेहतर है, अगर बात विवाद के लिए होती है तो बुरा है, लेकिन अगर काम के लिए हो रही है कि मैं बेहतर करूं मैं बेहतर करूं, तो इससे हम सबका भला है और ये जंग हमेशा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, या बंगला हो, या कोई भी दुनिया का लैंग्वेज हो, अगर काम को लेकर जंग हो रही है तो समझिए कि बिल्कुल पॉजिटिव चीजें हैं, तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, हर आदमी बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जंग हमेशा होना चाहिए। आप देखते हैं साउथ इंडियन फिल्म कोई? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं, मैं सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, सिनेमा का हिस्सा हूँ, चाहे भाषा अलग हो सकती है मेरी, लेकिन मैं तो एक हूँ कलाकार, तो एक कलाकार होने के नाते मुझे हर चीज देखना होता है, और कोशिश आदमी करता है कि उससे बेहतर करे और अपने समाज को और अपनी भाषा को बढ़ा करे। खेसारी जी, कैसे ट्रेलर को लोगों ने ट्रेंडिंग बना दिया है, तो फिल्म को रिलीज के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, लोगों तक क्या संदेश जाएगा? देखिए अब तो आप सभी माध्यम है हम लोगों के पास, क्योंकि पहले तो थिएटर हम जाते थे, लेकिन अब वो आजकल तो हर आदमी के मोबाइल में ही चले जाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि आप सबके माध्यम से ही अगर लोगों का ज्यादा रुझान हुआ सिनेमा के प्रति तो हम थिएटर तक भी जाएंगे और जितना भी हो सकेगा लोगों से मिलने की कोशिश। खेसारी सर, फिल्म का नाम है फरिश्ता, आपकी जिंदगी में फरिश्ता कौन रहा है, कौन है? मेरी जिंदगी के फरिश्ता आप ही हैं बाबा, ये पूरी मीडिया है, ये सब बैठने वाले हर वो कड़ी है मेरे जीवन के फरिश्ता। रीजन ये है कि देखिए हर आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर गलत भी बोले या बुरा भी बोले या सही भी बोले कुछ भी बोलता है तो आपके जीवन के लिए वो फरिश्ता ही होता है। रीजन ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो पुश किया है, तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे जनता हो, मीडिया कर्मी हो, मेरे सीनियर हो, हीरोइने हो, या करेक्टर रोल हो, या कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक, हर आदमी मेरे जीवन का फरिश्ता है जिन्होंने मुझे सवारा। हिंदुस्तान के साथ साथ दुबई में भी आपके फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे है, यही तो खूबी है, जब एक जगह है ये नहीं है, आप जहाँ देखिएगा हमारा भाषा है, हमारा भाषा है, अगर हमारा भाषा लंदन में ट्रेंड करता या लंदन के लोग संघर्ष 2 को भी सबने जो भी क्रिएटर हैं सबने तारीफ की, इनके इसकी फरिश्ता को हर आदमी तारीफ किया, हर भाषा के लोगों ने तारीफ की, तो ये हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, हमारे भाषा की जीत है, हमारे कल्चर का जीत है, जो लोग आज इतना प्यार और स्नेह हमें दे रहे हैं। खेसारी भाई बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं लोग फरिश्ता। ये आपको जरूरत है या नहीं इस तरह के प्रमोशंस की? अच्छा कितने कलाकारों से मीडिया कर्मी हमारे आपी जैसे भाई लोग पूछे हैं कि आपने फरिश्ता का ट्रेलर देखा है, बाकी ने बोला संघर्ष 2 को देखा है, तो बहुत सारे कलाकार बोले भी हैं, कुछ कलाकार ऐसे भी है कि बोले कि नहीं हम नहीं देखे हैं, तो अच्छी चीज हमारी भोजपुरी सिनेमा में लोग नहीं देखते तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अच्छी चीज नहीं देखिएगा तो अच्छा करिएगा कैसे? मुझे लगता है कि अच्छी चीज किसी की भी हो, चाहे छोटे कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, कलाकार कोई छोटा नहीं होता, हर कलाकार कलाकार ही होता है, लेकिन हाँ एक जूनियर सीनियर की बातें होती है, तो मुझे लगता है कि किसी की भी अगर बेहतर चीज हो तो हम सबको देखना चाहिए ताकि हमें उससे भी सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम देख लेंगे तो छोटे रहे, मोबाइल में तो देखना है, कौन सा पब्लिक देखना है, कहीं भी रजाई में घुस कर देख लेने का, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है बिना भाई के उधर की तो न्यूज में छापती तो कौन काम कर, रजाई में घुस तो बैठ बाथरूमों में बैठ कर आधा तो काम आजकल बाथरूम में होता है, हम आधा गाना तो बाथरूम में लिखे ले जाने लगे, हमारे कृष्णा दादा जी इसके हिस्सा है जो कि आप लोगों ने गाना एक ट्रेंड में विदाउट रिलीज वो गाना ट्रेंड में आ गया कि पागले बना दी राम जी पागले बना दी, तो कहीं ना कहीं हम सबका कोशिश है कि एक बेहतर सिनेमा के गाने बने, तो हम हमेशा कृष्णा जी चाहे हम बैठते हैं, अब इसलिए मेरे गांव से हैं और रिश्ते में हमारी चाचा लगते हैं और हम बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े भी हैं, बैठे भी हैं, उठे भी हैं, हर कुछ एक दूसरे के साथ रह के ही है, तो अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब हम पहले एल्बम की तरह गाना बनाते थे सिनेमा का, लेकिन अब हम सिनेमा के गाना बनाते हैं, सिनेमा के सिचुएशन के गाना बनाते हैं, तो कोशिश है हमारी बाकी। खेसारी सर, लेकिन कुछ मेकर्स हैं आपके जो नाराज हैं इस वजह से कि भाई आप समय नहीं दे रहे हैं फिल्म प्रमोट, बिना खाए हुए आ गए, कोई बुलाएगा तो हम काहे नहीं जाएंगे, आखिर हम यहाँ आए हैं, अगर हमें नहीं करना होता तो हम यहाँ क्यों आते? जैसे कि आप हाल ही में पटना गए थे और आपने बोल रहा था बोल का प्रमोशन नहीं किया वीना थिएटर में जाकर, लेकिन वहीं पे एक म्यूजिक चैनल का कोई सॉन्ग आया था वहाँ पे अपने प्रमोशन के लिए टाइम, लेकिन म्यूजिक चैनल वाला मुझे बुलाया तो मैं गया, ऐसे भाई आपको भी पता है कि हम ऐसे किसी भी थिएटर में विदाउट परमिशन के विदाउट प्रोटोकॉल के नहीं जा पाएंगे, वहाँ भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, कौन क्या लेकर आया है कैसे आया है, उसमें दोस्त भी है,
दुश्मन भी हो सकता है, ज्यादा दुश्मन है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि वहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं जा सकता ना, तो वहाँ प्रोटोकॉल आप लगवाइए। अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ भाई खेसारी को बुलाना है तो आप लगवाइए, अगर मैं नहीं गया तो दोषी हूँ ना। आप लगवाइएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे, अगर ये व्यवस्था आप लोगों को बुलाया गया है तभी ना आ पाए हैं। लेकिन सर आरोप ये भी लग रहा है कि एल्बम के लिए हीरो नाचने के लिए चले जाते हैं और मूवी के लिए गाना कोई है तो हीरो आते ही नहीं, ऐसा मतलब सबके लिए, सबके लिए इंक्लूडिंग यू। ऐसा मेरे साथ आज तक किसी मेकर को बुला के बैठाइए मेरे सामने और बोलिए कि मेरे से ज्यादा टाइमिंग पे काम करने वाला, मेरे से ज्यादा प्रमोशन करने वाला, मेरे सिनेमा का टीजर या ट्रेलर या कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले लोगों को लाइव आकर बताता जरूर हूँ कि मेरा पोस्टर आया है, मेरा ये आया है, मेरा वो आया है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैं काम करता हूँ मैं पूरी दुनिया को बताऊं ताकि दुनिया देखे, क्योंकि जब मैं ही नहीं बताऊंगा तो दुनिया कैसे देखेगी। खेसारी जी फरिश्ते को लेकर के सिनेमा तक जाएंगे प्रमोशन के लिए या सोशल मीडिया तक आ जाएगा इसका प्रमोशन? आजकल कौन थिएटर जाता है मुझे आप बताइए, एक आदमी थिएटर नहीं जाता है। हर आदमी सोशल साइट पे ही चीजों को जितना प्रमोट कर सकता है वो कर रहा है। अगर हमें थिएटर जाना होता तो फिर हम आप सबको क्यों बुलाते? आप सब एक आईना है और आप सब चीजों को जैसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, कोशिश आपकी भी रहती है एक सिनेमा को बड़ा करने में। तो मैं क्या बोला कि अगर लोगों का प्यार और जो हुजूम आया और बेहतर चीज़ें हुई तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम थिएटर तक भी जाकर और गांव-गांव में घूम घूम कर इसका प्रचार करें और लोगों तक बताएं। फरिश्ता में पागल के करेक्टर करने की क्या कुछ तैयारियाँ किया था आपने? तैयारी भाई मैं कुछ नहीं करता, लेकिन कष्ट बहुत होता है और विदाउट तैयारी कुछ होती नहीं। तो जब वो रोल मुझे मिला तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कभी पागल बना नहीं, मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ, मुझे पागल बनना है। तो ऐसे तो मैं पागल रहता ही हूँ और इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, या चाहे आपके सिनेमा में हो, या काम में हो, या दुनिया की किसी भी चीज़ों को, जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी शायद आप उसको अच्छे से निभा नहीं पाओगे। डायरेक्टर फिल्म में मेघाश्री है आपके अपोजिट, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेघा एक बहुत सुलझी, हमारी लैंग्वेज से तो नहीं है वो, बट उनको कुछ भी दे दीजिए वो तुरंत रेडी हो जाती हैं, तुरंत तैयारी कर लेती हैं। गुड नेचर, गुड डांसर, गुड एक्टर, गुड टाइमिंग, मैंने वो सेकंड खेसारी लाल, क्योंकि टाइमिंग पे अगर आपको 5 बजे मेघा को बुलाना है तो वो 4:30 बजे विथ मेकअप, जबकि वो अपना मेकअप मैन तक लेके नहीं आती है, वो अपनी मम्मी के साथ आती है, एक बॉय रहता है, लेकिन वो तैयार बहुत जल्दी होती है, शॉट बहुत जल्दी देती है और उनको जितना आप समझा दीजिए उससे बेहतर करके जाती है। तो ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट में होता है और उनके अंदर काम की भूख है, तो जिंदगी में जिसके अंदर भूख है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर देता है। खेसारी जी एक सवाल है कि आप दो स्टार है भोजपुरी में, जब भी ट्रेलर हो या पोस्टर लॉन्च होता है नेगेटिव बहुत आता है कि आपका आपका आपको भी नेगेटिव कमेंट आता है, सामने वालों को भी नेगेटिव कमेंट आता है, गाली देती है, कोई ये जो ऑडियंस है दोनों दुश्मन क्यों समझते हैं एक दूसरे का? नहीं नहीं बात बता, सबको गलत ही बोलना है, तो मैं रामचरित मानस का भी चर्चा करूंगा तो उसमें भी गलती निकाल देंगे, इसने तो पागल कहा आपको। हाँ तो उनके लिए ओरिजिनल पागल हो गया, उनके लिए कोई शब्द नहीं बनाया क्योंकि वो सोच ही लिए। जैसे देखिए आप मन में जिस हिसाब से जिसके लिए सोचेंगे ना आपकी भाषा भी उसी तरह निकलेगा और उसी हिसाब से आप उससे बकतक करेंगे या आपके शब्द भी उसके लिए वही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं मुझे लगता है कि वो सोच ही लिए हैं कि नहीं मुझे इसको सही बोलना ही नहीं, तो वो जीवन में मुझे सही नहीं बोलेंगे और उनको सही करने के लिए मैं जो सही बोलने वाला है उनको नहीं खो सकता। आपका भी ऑडियंस उनको गाली देता है कि आप वो जो ऑडियंस है उनको क्या बताइए? इस ऑडियंस को जितना ऑडियंस को मैं जानता हूँ उतना ऑडियंस को अगला भी जानता है। हर आदमी अपने अपने ऑडियंस को जानता है लेकिन पहचानता किसको है कि लिखा कौन है? कोई हमारा मौसी का लड़का तो लिखा नहीं तो हम कैसे बता दें कि भाई कौन लिखा है? इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुझे प्यार करते हैं, उनकी अपनी भावना है, उनका अपना विचारधारा है, उनको भी रखने का भाई छूट है, आज़ादी है, हमें भी रखने की आज़ादी है, तो हर आदमी को अपना अपना बात रखने की आज़ादी है। अब इसमें कौन गलत बोलता है, हाँ कोई सही बोलता है, अब बात रखने का तरीका जिसको जितना आता है, मति के गति रति भूत बढ़ाई या जो जन जतन जहाँ ले पाए, इस धरती पे जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही पूछता है, उतना ही उसके सवाल होते हैं, उतना ही लिखता है, उतना ही अपने जीवन को बढ़ाता है। लाल बाबू जी खेसारी को अपने पागल क्यों बनाया, कुछ प्रॉब्लम था मुझे? खेसारी सर, खेसारी सर।
पर बहुत अच्छा लुक लग रहा है। संघर्ष की बात करूं या फिर मैं ये जो अभी गॉडफादर फिल्म भी आप करके आए हैं, तो ये अलग अलग लुक, इस पे आपका ये डिसीजन चल रहा है या डायरेक्टर आपको दे रहे हैं, कैसे ले रहे हैं आप, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है देखिए। ये डिसीजन मेरा नहीं होता है, ये डिसीजन मेरे डायरेक्टर का होता है कि मुझे देखिए सबसे बड़ी कि मैं घर का करेक्टर हूँ, मैं समझ लीजिए कि एक जमीन हूँ, तो उस जमीन पे क्या बनाना है, उस जमीन पे मॉल बनाना है कि उस जमीन पे बेडरूम बनाना है कि उस जमीन पे मंदिर बनाना है, वो डिसाइड तो इंजीनियर ही करेगा, घर का मालिक करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे लुक को लेके, और मैं कभी अपने लुक को लेकर उनके चेंज की ये करना है मैं करूँगा, मुझे पागल बनना है मैं बनूंगा, मुझे भिखारी बनना है मैं बनूंगा, क्योंकि वो उनका कंसेप्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी के लिए चुना है। अगर मैं उस पर भी खड़ा ना उतरूँ तो मुझे एक्टिंग क्यों करना है, तो फिर मैं दूसरा कोई काम कर लूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर की हर उस कड़ी को पूरा करूँ और मेहनत करके उस करेक्टर को अपने अंदर लेकर आऊँ और अपने डायरेक्टर को खुश करूँ। एक एक सवाल और, एक संघर्ष का टीजर आया है, बहुत ही एकदम तांडव मचा रहा है, फरिश्ता तो सीधे ट्रेंडिंग में चला गया है, आपके लिए बेस्ट कौन सा है दोनों में से, क्योंकि फैंस तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं ये फिल्म जा रही है अच्छी, वो फिल्म जा रही है, आपके दिल के करीब कौन है, संघर्ष 2 या फरिश्ता? देखिए दोनों मेरे ही बेटे, और दुनिया में कोई अपने बेटा को गलत नहीं बोलता, इस धरती पे दो चीजें बड़ी प्यारी होती है, एक तो अपना बेटा और दूसरे की बीवी। हाँ, अपना बेटा और दूसरे की बीवी बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत होती है। अपना बेटा अगर लंगड़ा भी है ना तो राजकुमार लगता है, और दूसरे की बीवी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन लगती है स्वरिया राय। तो अपनी बीवी अगर दीपिका पादुकोण हो फिर भी वो 2-10 दिन ठीक है लगती है, उसके बाद तो फिर वो मारे